हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कार सिलेक्टर्स पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। मारुति ने अपनी माइक्रो एसयूवी कम हैचबैक को इंडिया में 30 सितंबर को लॉन्च करना है। इसका नाम है मारुति S-Presso। ये मारुति की शुरुआती कारों में से बनेंगी जो शुरुआती रेंज से स्टार्ट होती हैं, जैसे अल्टो K10 और इग्निस वगैरह। ये गाड़ी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है जिन्होंने अल्टो और अल्टो LXi और अल्टो K10 में से कार नहीं लेनी, कोई एडवांस कार लेनी है जिसमें एडवांस फीचर्स हो। आज हम आपको इसकी सारी जानकारी देंगे जितनी हमें अभी तक पता लगा है। तो चले शुरू करते हैं। पहले हम इसकी लेंथ की बात कर लें। इसकी लेंथ आपको मिल जाती है 3565 mm और इसकी आपको विड्थ मिल जाती है 1520 mm की, और हाइट इसकी आपको मिल जाती है 1564 mm की, और इसका व्हील बेस आपको मिल जाता है 2380 mm का। इसकी हाइट और ब्रिथ को देखकर लग रहा है इसके वेरिएंट में बाकी कार आने वाली से ये उनसे थोड़ी सी छोटी ही रहेगी। और आपको इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है 180 mm की, जो एक हैचबैक के लिए बहुत ही अच्छी है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। इसमें आपको 14 इंचेस के टायर्स मिलते हैं इसके अपर वेरिएंट्स में, और इसके लोअर वेरिएंट्स की बात करें तो 13 इंचेस के इसके आपको मिलते हैं। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो इसकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से इसकी बूट स्पेस रेनो क्विड से थोड़ी सी कम ही रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। इसमें आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर K-सीरीज इंजन मिलने वाला है जो BS6 पर बेस्ड होगा। ये इंजन मारुति अपनी बाकी कारों में भी देने वाली है, पर यह पहली ऐसी कार होगी जिसमें मारुति ने अपना BS6 इंजन दिया है। और यही सेम इंजन आपको अल्टो K10 और वैगनर जैसी कार में देखने को मिल जाता है। ये इंजन 67 BHP की पावर जनरेट करता है और 90 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है जो 3000 RPM पर वर्क करता है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस मिल जाएंगे। इसके कुछ इंटीरियर की बात करें तो ये इसकी सही पिक तो नहीं लग रही इंटीरियर में, बाकी इसका इंटीरियर कुछ ऐसा ही आने वाला है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर ही आपको इसकी स्पीडोमीटर मिलेगा, इसके स्टेयरिंग के पीछे आपको कोई स्पीडोमीटर वगैरह नहीं मिलेगा, और इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम शायद 7 इंचेस तक का होगा इसका ये एक्सपेक्टेड है। इसकी एरिया माइलेज रहेगी 23 KMPL की, जो अल्टो से 1 KMPL कम है। और अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये भी मारुति की बाकी सभी कारों जैसे हार्डटैक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, जो इसे बाकी सेगमेंट की कारों से थोड़ा सा कमज़ोर बनाता है। इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर आपको सिंगल एयरबैग मिलेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी इसका फुल रिव्यू आएगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।